बेतिया में एक 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। इतना ही नहीं, विरोध करने पर दोनों युवक ने लड़की का एक हाथ तोड़ दिया और उसकी आंखें भी फोड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों पर गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पीड़ित का इलाज बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। पूरा मामला जिले के मरझौलिया थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। इधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मुकुल परवल पांडे ने बताया कि मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि होगी। वहीं मामले में पीड़ित की मां ने बताया कि उसकी लड़की बकरी चराने घर के पीछे एक बगीचे में गई हुई थी, तभी गाँव के दो युवक वहाँ पहुंचे और मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही उसका हाथ तोड़ दिया और उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश की। वहीं गांव की एक लड़की ने बेहोशी हालत में मेरी बच्ची को देखा और उसने घर आकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हम अपनी बेटी को इलाज के लिए मरझौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहां डॉक्टर ने बच्ची की हालत चिंताजनक देखते हुए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में रिफर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।